आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। फिल्मी डॉन के पीछे कई मुल्कों की पुलिस पड़ी थी, फिर भी वो पकड़ में आया नहीं, लेकिन यूपी के डॉन को जैन में पुलिस ने धर दबोचा। इसी हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर की हिस्ट्री आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, साथ ही कुछ और कुख्यात बदमाशों की चार्जशीट आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए विकास दुबे किस तरह और कैसे पकड़ा गया और पकड़े जाने से पहले उसने क्या किया था। विकास दुबे यानी 8 पुलिस वालों का हत्यारा, विकास दुबे यानी संतोष शुक्ला का हत्यारा। जो जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हों, मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे तेज खबर देने वाला पहला चैनल इंडिया न्यूज, सबसे बड़ी पड़ताल करने वाला इंडिया न्यूज। जिस बदमाश की खबर इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई, जिस गैंगस्टर के नाम के चर्चे इन दिनों आम है, जिसने एक रात को खून के रंग से रंग दिया, आज उसी हिस्ट्री शटर विकास दुबे की हिस्ट्री आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जानिए, 7 दिन तक फरार रहा कुख्यात गैंगस्टर आखिर कहां, कैसे और कब पकड़ा गया। दो जुलाई 2020 ये वो तारीख है जिस दिन विकास को गिरफ्तार करने आई 3 थानों के पुलिस पर विकास की गैंग ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद यूपी पुलिस की दबिश जारी रही, लेकिन ये गैंगस्टर हाथ नहीं आया। इस बीच यूपी में दुबे के साथियों को एक के बाद एक करके दबोचना शुरू किया गया, तो 7 जुलाई 2020, 5 दिन के बाद 7 जुलाई को फरीदाबाद के एक होटल में इसकी झलक नजर आई, लेकिन तब भी ये आंखों में धूल झोंक कर वहां से फरार हो गया। इस बीच 60 एसआईटी की टीमें विकास का पीछा करती रही, तकरीबन 150 घंटे विकास पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस की 100 से ज्यादा टीम विकास दुबे को तलाश कर रही थी। 9 जुलाई 2020 फिर आई तारीख 9 जुलाई और आखिरकार जद्दोजहद के बाद उज्जैन में विकास को पुलिस ने धर लिया। मैं विकास दुबे हूं, कैंसर वाला सब। अरे हवाई नहीं। लेकिन आप जानिए, पुलिस के हाथ आने से पहले विकास की सियासत में पकड़ इतनी मजबूत थी, वो कानपुर से उज्जैन तक पहुंच गया और चश्मदीद बताता है कि पकड़े जाने से पहले विकास को किसी बात का कोई डर कोई भय नहीं था। विकास का ये सोचा समझा सरेंडर था या सच में वो पकड़ा गया है, इसकी गुत्थी को समझने के लिए जानिए विकास ने महाकाल मंदिर में आखिर क्या क्या किया। विकास सुबह 8 बजे मंदिर परिसर के बाहर एक दुकान पर पहुंचा, इसके बाद वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई। इस दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया। इसके बाद वो महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचा, जहां उसने प्रसाद खरीदा और फिर बांटा भी। यही नहीं, मंदिर में ही गिरफ्तारी से पहले अपना फोटो शूट भी कराया। विकास को किस तरह गिरफ्त में लिया गया ये बात तो आपने जान ली, लेकिन अब जानिए इस हिस्ट्री शटर की हिस्ट्री। कानपुर के एक ही थाने चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। पिछले 3 दशक में विकास दुबे पर कई मुकदमे दर्ज हुए, कई बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन किसी भी मामले में उसे सजा नहीं मिली। विकास दुबे
पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक चीज जानिए कि विकास दुबे आज से नहीं, जब वो स्कूल में पढ़ा करता था सिवली इंटर कॉलेज में, तब से वो आपराधिक प्रवृत्ति से शामिल है। उसने सबसे पहले अपने प्रिंसिपल का ही मर्डर किया था। प्रिंसिपल का मर्डर करने के बाद वो चर्चा में आया और उसके बाद में लगातार उसका आपराधिक इतिहास बढ़ता गया और उस दबदबे के कारण वो गांव का प्रधान भी बना और उसके बाद में उसे सियासी संरक्षण भी मिला। एक अदने से छोटे क्रिमिनल से 5 लाख का इनामी बदमाश गैंगस्टर बना विकास दुबे। यूं ही यहां तक नहीं पहुंचा, इसके पीछे पुलिस और सियासत का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि उसकी मदद के बिना कुख्यात बदमाश बनना आसान नहीं है, वो भी इस 21वीं सदी में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन दिनों भले ही सुर्खियों में विकास दुबे का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन भोकालपुर में मुख्तार अंसारी और श्रीप्रकाश शुक्ला जैसे बाहुबलियों के नाम भी हैं, जिन्होंने अपना ऐसा साम्राज्य बसाया कि खाकी से लेकर खादी तक उनके वक्त में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। असली गैंगस्टर जो है वो मुंबई का भीकू मात्र है। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्र। या बेटा वासेपुर का फैजल खान है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। फिल्मों के बड़े बड़े शौकीन सभी यही मानते हैं, लेकिन जैसा आप पिक्चर में देखते हो वैसा और उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की उद्यमी और उद्यमी धरती पर बहुत पहले हो चुके हैं। पहली कहानी आपने विकास दुबे की सुनी, आपको उसी की तरफ के कुछ ऐसे और गैंगस्टर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने कभी इंसान को इंसान नहीं समझा। मुख्तार अंसारी। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। जिस जगह वो कदम रखता है वहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मुख्तार लगातार 5 बार से विधायक है और पिछले 15 सालों से जेल में बंद है। उस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता है और अपने गैंग को भी चलाता है। मुख्तार का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा, हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। इसके बाद 90 के दशक आते आते वो जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना चुका था। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का ही नाम जुड़ा था। तो मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर जेल, गाजीपुर पुलिस लाइन में एक सिपाही की हत्या की थी। तो सबसे पहली हत्या उन्होंने पुलिस वाले की थी और चुनौती दी थी। और उसके बाद में मुख्तार अंसारी लगातार चर्चा में आया और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते एक उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और आज ये स्थिति है कि उनको कोई चुनाव नहीं हरा सकता, इस पोजीशन में खड़े हैं। ये क्राइम करते करते हिस्ट्री शीटर बन बैठा, जैसे विकास दुबे बना। श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से फेमस था। उसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में एक युवक ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी। उसके बाद उसकी हत्या शुक्ला ने कर दी। यह उसके जीवन का पहला जुर्म था। इस मर्डर के बाद वो बैंकॉक भाग गया
लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रह सका और भारत लौट आया। यहां वो बिहार के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश ने 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इसके बाद 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया था। यहां तक कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली, 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा भी कर लिया। का शुक्ला का भी यदि हम देखेंगे तो उसको भी राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और ऐसा संरक्षण मिलता है कि वो लगातार तमाम सारे सियासी जनों और दूसरे लोगों के ऐसे मर्डर करता है, किडनैपिंग्स करता है, दूसरी चीजें करता है, जिसके बाद में उसका एक बिल्कुल साम्राज्य खड़ा हो जाता है और वो चंद सालों में ही इतने ज्यादा मर्डर और दूसरी चीजों में आगे आ जाता है कि उससे कांपने लगता है और वो मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ले लेता है। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तात्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ ने मुठभेड़ में श्री प्रकाश को ढेर कर दिया। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर न होता। वो राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन था कि जल्द ही कानून से पटरी बिठा लेता। यानी सिर्फ विकास दुबे ही बदमाश नहीं है, खाकी और खादी का सहारा लेकर कई और बड़े नाम इसके पहले ही इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा, विकास दुबे एक अकेला ऐसा नाम नहीं है, ऐसे कई और नाम भी हैं, जिनमें ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह भी दो ऐसे नाम हैं जिनका सिक्का पूरे पूर्वांचल में आज भी चलता है। इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि विकास दुबे जैसे और ना जाने कितने अपराधी आज भी अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद आरोपी विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया है। एसटीएफ समेत यूपी पुलिस की 100 टीमें विकास दुबे की तलाश कर रही थीं और आखिरकार उज्जैन में विकास को दबोच लिया गया। लेकिन यूपी में विकास अकेला माफिया और बाहुबली नहीं है। आज इसीलिए हम आपको ऐसे ही माफिया की कहानी बता रहे हैं जिसने न सिर्फ क्राइम की दुनिया में अपना खौफ जमाया बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपना रसूख कायम रखा है। कहानी ब्रजेश सिंह की है। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का हिस्ट्री शिटर माफिया है। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसकी पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। वह अभी वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी है। उस पर 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा, बवाल, भड़काने, जमीन हड़पने जैसे मामले दर्ज हैं। साल 2000 में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था।
अब तक ये रिपोर्ट्स देखकर आप समझ गए होंगे कि अपना भौकाल दिखाने वालों की लिस्ट लंबी है, लेकिन भौकाल दिखाते हुए शायद ये भूल जाते हैं कि सबका अंजाम भी एक जैसा ही होता है लगभग। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।